मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट अपने होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। एक लंबा सांस लेते हुए खतरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उसे पूछा। क्योंकि मेरी तो बहुत सी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के एक हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज इनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड्स और ऑडिटोरियम के एक हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? उमामा ने कतरे हैरानी से देखा और सोच में पड़ गई। पहले बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो बड़बड़ाई ख्वाहिश तो ये कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी ही मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और जवेरिया ने कहा, और ये कि मैं मुल्क के सबसे बड़े डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सके तो? जवेरिया ने कहा, आखिरी मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालदैन के पास इतना पैसा है कि अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना हो सका तो वो मुझे बैरून मुल्क भेज देंगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये मेरा ख्वाब है, और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा और भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो तुम क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे? मामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा कहे दें, और फिर मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, तुझे तुम मरना क्यों चाहती हो? हाँ तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान से मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। हाँ यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। हाँ तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सके तो फिर मरोगे कैसे? खुदकशी या तबाही मौत? बड़ा दिलचस्प सा सवाल है। मैं तबाही मौत ना आ सकी, मेरा मतलब कि जल्द मौत ना आए, तो डॉक्टर ना बनने के बावजूद लंबी जिंदगी गुजारूंगी।